गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पेशली आप लोग के डॉट सेशन का, जिसमें हम लोग एक चैप्टर है आर एस अग्रवाल के बुक से जो है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर, जिसका एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं 3। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज क्या देख रहे हैं, 3E के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ। चलिए देखना, सबसे पहले बोला जा रहा है इवेल्यूएट करने के लिए, जहाँ पर आपको 1 to 12 यानी कितने प्रॉब्लम्स में सिर्फ आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में हम एक डॉट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक प्रॉब्लम ले रहे हैं 11 नंबर का, जिसमें दिया हुआ 196,00, ठीक है। इसको अगर आप निकालना चाहो तो कैसे इवेल्यूएट करें, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो कौन सा मेथड है, हम लोग डिवीज़न हमने देखा था, तो हम लोग डिवीज़न मेथड ही शुरू करते हैं। चलिए डिवीज़न मेथड शुरू करते हैं। 196,00 हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना, हम लोग पेयरिंग करना शुरू करेंगे, लास्ट टू डिजिट एंड सिंगल इज सोलो, है ना। अब हम क्या करेंगे आगे, इसके लिए डिवीज़न के लिए आप लगाओ, है ना। तो चलिए सिंगल डिजिट बचा है, हम लोग पता है हम लोग हमेशा लेफ्ट से करते, तो सबसे पहले 1 × 1 = 1, क्लियर है। तो चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पे ये 0 हो गया एंड देन 96 हो गया। अब आप 96 को देखो, तो 96 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 × 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे 4 से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप देखो तो अगर हम 4 से अप्लाई करके देखें तो देखिए कितना होगा, आप 4 × 4 = 16 हो गया, बाकी हाथ में 1 × 4 = 8 = 9, है ना। यानी कि ये 96 हो गया, यहाँ 48 हो गया। तो चीज़ें क्यों आ रही, यहाँ पे ये क्रॉसिक एंड द लास्ट 00, सो कितना टाइम, 0 टाइम लगाएंगे ताकि सब कुछ 0 हो जाए। यहाँ पे सब टोटल 280 हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन ख़त्म। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, सबसे पहले हमने 1 यूज़ किया था, फिर हमने 4 यूज़ किया था, फिर हमने 0 यूज़ किया था, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया 140, है ना। यानी 196,00 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 140 आता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ लोगों ने क्या करा था, कुछ डाउट्स हम लोगों को भेजा था, तो चलिए अगले सेशन अगले चीज़ों में और देख लेते हैं कि और क्या क्या है आपका। तो आप लोगों ने में से किसी एक ने, पीयूष ने बोला था कि सर शायद 15, 16 या फिर कुछ ऐसे नंबर्स नहीं बनते, तो चलिए हम लोग एक देख ले रहे हैं। एक प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपके बुक से ही, तो देखिए 15 नंबर में क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर, क्या करना हमें, फाइंड द लिस्ट नंबर हम लोग को फाइंड करना है, है ना। किसके लिए, चलिए देखते हैं आगे। विच मस्ट बी एडेड, हम क्या बोल रहे हैं, विच मस्ट बी एडेड, है ना। तो क्या करना है, मुझे ऐसा वो लिस्ट नंबर ढूंढना है जो ऐड करना है। ऐड करके क्या करते हैं भाई, आगे देखते हैं। एडेड टू किसे बोला, किस नंबर में, नंबर जो है वो है 6203। बोला जा रहा है इस नंबर में वो कौन सा छोटा से छोटा नंबर ऐड करना है, किस चीज़ के लिए, टू ऑप्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि हमें क्या करना है, ये वो नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम इसमें ऐड कर देते तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चीज़ें सिंपल है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब कभी भी बात आएगी बाबू चीज़ों को ऐड करने का, यानी कि बोला जाए मस्ट बी एडेड या मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो वैसे कैसे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं तभी ये सॉल्व होगा। चले शुरू करते हैं डिवीज़न मेथड में, देखते हैं नंबर हमारा क्या था, 6203 था, है ना। तो चलिए 6203 में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। चलिए हम लोग डिवीज़न शुरू करते हैं, लिख लिया मैंने 6203, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, है ना। पेयरिंग करना शुरू करा करते हैं, लास्ट आपके फर्स्ट टू डिजिट में 64 है, आपको पता है 64 लगभग 62 किसका स्क्वायर हो सकता है, अगर आप 3 करो तो 9, है ना, 9 करते तो 81, अगर 5 करो 25, 6 36, है ना, 7 का कितना 49 होता है, 8 का 64 होता है, यानी 8 वाला नंबर क्या हो रहा है, ज़्यादा रहा, यानी कि हम लोग कहीं लगाना पड़ेगा, हमेशा 7 से लगाना पड़ेगा, 6 × 7 = 49, यहाँ बचेगा कितना रिमाइंडर 3, है ना, 12 - 9 3 हुआ, यहाँ 5 हुआ, 5 में से 4 गया 1 हुआ, है ना। यहाँ हमने इसको सब टोटल 4 करा, यहाँ हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात, तो ऊपर से हम अगले टर्म को उतारेंगे, अगले पेयर को नीचे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करो, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि आप 5 से करो
तो कितना हो जाएगा 500, एंड अगर आप करो तो 700 समथिंग आ जाएगा। अगर आप 9 से करते हैं, जैसे आपको करना क्या होता है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर वो कौन सा नंबर होना चाहिए सर। तो इस नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें। ऐसा कौन सा नंबर जिसको मल्टीप्लाई, जैसे आप करो ना कि जैसे अगर हम 140 करते हैं तो कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ये चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या हो सकता है, आप अगर 140 करें, चलिए देखिए हम बताते हैं आपको, एक एक करके देख लेते हैं इस बार उनके लिए भी जिनको तो कुछ भी नहीं समझ में आया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं उनके लिए भी कि कैसे वो कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो बहुत आसान है, आप देखो हमारे पास क्या है, एक नंबर है 14 है ना, एक नंबर है 14 और इसके अंदर मुझे यहाँ पर कोई नंबर्स डालना है ताकि इससे इवेल्यूएट करें। अगर हम आप 1 रखो तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 1 × 1 समथिंग 1 ही हो जाएगा, तो 141 कम हो रहा है ना, यानी इसको नहीं यूज़ कर सकते। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 के जगह पे कुछ और नंबर यूज़ करते हैं है ना। तो 1 के जगह पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं इस बार 5 करके देख लेते हैं। चलिए 5 करके देखते हैं, 5 करने से क्या आता है, अगर आप 5 करो तो 5 × 5 5 2 4 5 4 × 5 20 + 2 22 and 2 rest 5 to 7 यहाँ पर भी ये कम हो रहा है ना, यानी 5 से भी काम नहीं चलेगा, हमारे पास और नंबर बड़ा वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस बार हम लोग ट्राई करते हैं डायरेक्टली, आपको पता है कि 5 से नहीं हुआ तो हम लोग 3-4 डिजिट आगे बढ़ जाते हैं ना, इस बार हम लोग ले लेते हैं 7 से। अगर आप 7 से करो तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 49 = 9 है ना, 4 मैंने लिखा हैंड एंड 4 × 7 24 24 + 4 32 = यहाँ पे मैंने 3 हैंड में हुआ एंड 7 + 3 10 यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पे देखो अगर आप चाहो तो क्या 8 टाइम लगेगा, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, शायद 8 टाइम लग से है ना। तो चलिए देख लेते हैं 148 × 8 कितना हो जाएगा, 4 हो गया 6 हो गया है ना। अगर आप इसको एवेल्यूएट करो तो कुछ इतना आ रहा है, यानी कि ये नंबर अभी 8 टाइम भी लग जाएगा है ना। आगे अगर देखें, अगर 8 टाइम भी लगेगा इसका मतलब अब हम इस बार 9 में देखते हैं कि अगर आप 149 × 9 करेंगे तो क्या आएगा, 149 × 9 करेंगे तो आप इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ मन में, आप भी करिए। चीज़ें क्या है ध्यान दीजिएगा, जब कभी बात आएगी कि आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेरा 1103 आ गया, ध्यान दीजिएगा जब कभी भी बात आएगी, आपको मैंने बताया 2 टाइप में वो काम करना है ठीक है। तो चीज़ें क्या है समझिएगा, जब कभी आप बात करोगे जब बोला जाए मस्ट बी एडेड, ये पहला केस है, बाकी दूसरा हम बाद में बताते हैं ठीक है। अगर आप ये करो तो, अगर आप मस्ट बी एडेड की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी अगर आप मस्ट बी एडेड करेंगे तो हम लोग टर्म कर लेंगे, यहाँ पर दिखा आपको 130 बनाया, कितना टाइम है 9 टाइम में करेंगे तो सॉरी 1301 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 1341 आएगा। तो करना क्या है, रूल नंबर वही है सिंपल सा, मैं वापस जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि करेंगे क्या, कि जब कभी आप इतना करते हो तो आपको हमेशा जब एडेड वाली बात आएगी मस्ट बी एडेड की, तो मस्ट बी एडेड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा हम एक बड़े नंबर को लेते हैं, यानी कि छोटा नंबर नहीं लेंगे, उल्टा वाला थ्योरी, क्योंकि हमको ऐड करना है ना, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यानी वो कौन सा नंबर घट रहा है, घटने के लिए क्या करेंगे, चीज़ें जाहिर सी बात है घटने की बात कब आएगी, जब हम लोग एक बड़ा नंबर ले लेंगे है ना। तो नेक्स्ट नंबर आपको अप्लाई करना, जो अगर आप यहाँ पे करो तो ध्यान दीजिए क्या था, आप यहाँ करिए तो कितना था, आप 3 and 103 यहाँ तक आ गया था, हमने क्या करा 9 टर्म में करा, 9 टाइम में किया, तो यहाँ पे मेरे पास आया था 1341, क्या आया था 1341। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ज़्यादा क्यों, डिवीज़न का तो ये रूल है नहीं, हमेशा कम से लगाना चाहिए, पर ध्यान रखिए जब कभी भी मस्ट बी एडेड की बात आएगी तो हमेशा हम एक नंबर, यानी कि ये वाला जो टर्म है ना, एक डिजिट ज़्यादा लगाएंगे। आपको पता है कि वो 8 से काम चल रहा था, लेकिन 8 नहीं लगाएंगे, वैसे केस में हम एक बढ़ा कर लगाएंगे, यानी उसके नेक्स्ट टर्म को लगाएंगे। तो हमने क्या करा 9 मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टर्म आ गया निगेटिव में, कितना निगेटिव में कितना, अगर आप ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, आप करिए चलिए 11 में 3 गया, कितना हो जाएगा 8 एंड 38। तो हम बोलेंगे क्या,
वो कौन सा नंबर है, यानी कि निगेटिव, यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए, समझिए कुछ इस तरह से कि अगर सोच लीजिए कि ये 1341 होता ये वाला नंबर, तो मतलब क्या होता है, ये एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। मतलब क्या है, हमें यही तो वो नंबर है ना जो घट रहा है, अगर हम ये नंबर इसमें ऐड कर दें तो जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चीज़ें समझ में आई, अगर मस्ट बी एडेड की बात होगी तो हम क्या करेंगे, एक बार ज़्यादा लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर का नंबर लार्जर होगा, लेकिन कितना, वन नंबर, यानी कि उसके जस्ट आप अगले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ताकि नीचे का जो डिफरेंसेस आए, रिमाइंडर आए, वो निगेटिव में आए, और जो भी रिमाइंडर निगेटिव में आया वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। तो ये आपका एक तरह का हो गया मस्ट बी एडेड वाला। अगर आपसे बोला जाए कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करा जाए, कौन सा वो लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करा जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग एक टर्म कम वाला लगाएंगे, जैसे यहाँ पर कितना था, अगर आप लगा दो 148 into 8, तो यहाँ पर हम लगा देते है ना, कितना हो जाता, अगर आप इसको ध्यान से करो तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 148 को करो 8 से, तो क्या हो जाता है, आप यहाँ ले लो 1184 हो रहा है ना, तो हम लोग वो लिस्ट नंबर को डाल देंगे, और फाइनली क्या होगा, इस तरह से हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचेगा, यानी जो रिमाइंडर हमारे पास पॉजिटिव में बचेगा, मतलब क्या होगा, अगर हम वो नंबर घटा दें तो जाहिर सी बात है हमारा नंबर क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से आपका डाउट क्लियर हो सकता है, आप बना सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है, अभी एक और नंबर हम देख लेते हैं, एक और प्रॉब्लम आप पर देख लेते हैं कहीं से। इस बार अगर हम प्रॉब्लम देखें तो एक बार एक सेकंड चेक कर लेते हैं, पीयूष आपने कौन सा डाउट पूछा था। फिफ्टीन टू नेक्स्ट तक, तो 15 वैसा ही है, 16 वैसा ही है, बोला जा रहा लिस्ट नंबर ऑफ 4 इज मस्ट बी स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द, ओहो आसान है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, एक अगर मैं इसके प्रॉब्लम्स को लिखूँ तो आप यहाँ पे समझिए, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है ना, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, 4 डिजिट की बात है, 4 डिजिट का लिस्ट नंबर ढूंढना है किस चीज़ के लिए, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए आपको ये बताइए, अगर हम 4 डिजिट की बात करेंगे तो 4 डिजिट का लिस्ट नंबर कौन सा होता है, 4 डिजिट का लिस्ट नंबर आपका हो जाएगा 1000। तो चीज़ें वही हैं जो आपने 15 में देखा, 16 में देखा, वहाँ भी वही है, करेंगे क्या, बस हम लोगों में क्वेश्चन कुछ इस तरह से समझिए कि ये आपको हम एक नंबर दे दिए, बताइए इसमें बताओ वो कौन सा नंबर हम क्या करें, ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें, यानी कि मस्ट बी एडेड वाला जो आपका था ना, द लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, देन ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चीज़ें वही हैं, ये एडेड वो नंबर फाइंड आउट करिए और फाइनली इसमें सम कर दीजिए, तो अगर आप सम कर देंगे तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा है ना, और परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो क्या करें, उसका आप रूट निकाल लीजिए, काम इतना ही है। उम्मीद है आपको ये करना आ गया होगा, आप करके देखेंगे, और अगर नहीं आया तो हम लोग फिर से मिलेंगे। तो इस सेशन में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया, 4 डिजिट 5 डिजिट सेम है, 17 नंबर और 18 नंबर एक ही तरह के प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया। अगर आप 19 को देखो तो 19 में थोड़ा सा देख लेते क्या है, अगर आप 19 को ध्यान से देखें तो बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज समथिंग अ मैन साइकिल cycles along its boundary at 11 km per hour. In how much time will he return to the starting point? यानी एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है ना, बोला जा रहा है इसका एरिया है 6, यानी कि यहाँ पर सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ फील्ड क्या है, और वो दिया जा रहा है 6025 meter square। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि भाई इसका साइड कितना है। आपको पता है स्क्वायर से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड इनटू साइड, या फिर आप दूसरे शब्द में इसको क्या बोलते हैं, साइड स्क्वायर, यही होता है ना। तो एरिया दे दिया तो हम क्या करेंगे, एरिया अगर आपको ये दिया हुआ तो हम उसका स्क्वायर रूट क्या निकालेंगे, अगर आप साइड निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो, अगर हम साइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर
एरिया है ना, जो अगर आप करोगे 60025 का तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा अगर आप ध्यान से करो तो 5 हो गया एंड 24 × 25 0.06 एग्जैक्टली। तो कितना ये 245 का आपका स्क्वायर है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, साइड के बराबर आ गया वैल्यू 245। और फाइनली क्या करना बताया जा रहा है, एक बंदा साइकिलिंग चलाना शुरू करा तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट में जब तक वो पहुंचेगा 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, साइकिल वाले का स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे सॉरी किलोमीटर नहीं यहाँ पे क्या है एक्सक्यूज मी, हाँ 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास साइड आ गया, तो पता करिए ना कि इसका क्या है पैरीमीटर कितना है, पैरीमीटर निकल जाएगा यानी कि डिस्टेंस निकल गया। आपको पता है टाइम के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, बस इतनी सी चीज़ करनी है, आप इसको करोगे ये सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 19 नंबर था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, आप इसको ट्राई करिए बन जाएगा। पूरा सॉल्यूशन हम लोग नहीं देंगे ताकि आप छाप ले, आपके लिए भी थोड़ा सा मेहनत करने का होगा, ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये दोनों हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, और कमेंट भी करें कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ